हेलो एवरीवन पाइथन फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स में आप सभी का स्वागत है तो आज के चैप्टर में हम बोटो थ्री के कुछ कंपोनेंट्स को देखेंगे एंड कुछ लैब्स परफॉर्म करके देखेंगे तो आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें लो अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे कई सारे कॉम्पोनेंट्स हैं बट वी आर पिकिंग द मेजर थ्री जो कि हम बहुत ज़्यादा मेजोरिटी में यूज़ करने वाले हैं तो सेशन क्लाइंट एंड इसके अलावा आपको अदर कलेक्शन या अदर कंपोनेंट्स भी देखने को मिलेंगे तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन से विच एक्चुअली हेल्प यू कि कैसे हम अपने सेशन को इनिशिएट करेंगे सो so, यहाँ पे आप बेसिकली ये कॉम्पोनेंट जो है आपको कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कैसे आप कनेक्शन बनाएंगे तो ऑब्वियसली आपको अपने uh, AWS या फिर सिक्योरिटी की जो भी आपने जनरेट की है कॉन्सोल से वो पास करनी पड़ेगी इन अमिलर मैनर आगे आप इस सेशन पैरामीटर को यूज कर सकते हैं टू यूज द अदर कॉम्पोनेट लाइक विद्री तो क्विकली हम देख लेते हैं हम कैसे सेशन कॉम्पोनेंट को यूज कर सकते हैं तो फिर ये हमारा ईडब्ल्यू एस मैनेजमेंट कॉन्सोल है आप क्विकली यहाँ पे एक सिक्योरिटी कॉडेंशियल जनरेट कर सकते हैं अपने लिए इट मी टेक टाइम कि जिस नेटवर्क बैंड विथ है तो स्टिल अपलोड्स वेट क्विकली तो यहाँ पे हमें कुछ वार्निंग देखने को मिल सकती है क्योंकि हमने अभी एम एफ इनिशिएट नहीं किया है एंड ऑब्वियसली हम अपने रूट अकाउंट को यूज कर रहे हैं विच इज़ नॉट वेरी रिकमेंडेड अप्रोच तो यहाँ पे बस दो कीज हैं ऑब्वियसली uh, मैं दोनों कीज के संग आगे नहीं बढ़ सकता इस ज्यादा कीज रिटर्न का ऑप्शन नहीं दे रहा है तो हम यहाँ पर काम करते हैं पुरानी की को डिलीट कर देते हैं

आपको ऑब्वियसली की को कहीं पे नोट डाउन करना पड़ेगा जब तक आप ये लाइव देखेंगे ये मैं rotate कर चुका फिर से, तो ये कीज मैंने कॉपी कर लिया आप इस तरह से शो भी कर सकते हैं just and हम done कर देते हैं, तो नाउ हमारी की जनरेटेड फॉर रेडी टू यूज नाउ अब क्विकली अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे आते हैं एंड uh, हम वहां पे इन कीज को अप्लाई कर लेते हैं so, मैंने ई डब्ल्यू एस सी एल आई इंस्टॉल कर रखी है तो आई एम यूजिंग ई डब्ल्यू एस कन् फिगर कमांड नो इट लास्टिंग मी एक्सेस आई डी क्या आप पुरानी एक्सेस आई डी यूज करना चाहते हैं की आई डी या फिर कोई नई की है आपके पास तो मैं यहाँ पे एक नई की प्रोवाइड करा रहा हूँ अगेन इट इज आस्किंग कि क्या कोई सीक्रेट एक्सेस की आप यूज करना चाहते हैं तो हमने की प्रोवाइड कर दी क्या किसी अदर रीजन के संग काम करना चाहते हैं तो नहीं मैं मुंबई रीजन से फाइन हूँ एंड ऑल ओके अगर आपको कीज देखनी है कि ये मेरी कीज कहाँ पे जाके स्टोर हो चुकी हैं तो ये बाय डिफॉल्ट आपकी होम डायरेक्टरी में डॉट ए डब्ल्यू एस फोल्डर के अंदर क्रेडेंशियल्स नाम की फाइल के अंदर स्टोर हो जाते हैं तो यहाँ पे मेरी दो कीज हैं तो लेटेस्ट वन है वो मेरी वो डिफॉल्ट के अंदर जाके स्टोर हो चुकी है नाउ हम क्विकली एक सेशन बना के देखते हैं तो हम अपने कोड में सबसे पहले मोटो थ्री के मॉड्यूल को इम्पोर्ट करा लेते हैं एंड गोइंग फॉरवर्ड हम बोटो थ्री के सेशन को यूज़ करके देखते हैं तो बोटो थ्री डॉट सेशन हम यहाँ पे जो भी पैरामीटर्स मैं अपने पास करना चाहता हूँ उनको पास कर देता हूँ तो सबसे पहले मैं ए डब्ल्यू एस एक्सेस की आईडी को डालूंगा जो भी मैंने की अपने जनरेट की थी तो जस्ट प्लेसिंग विद माय न्यू की यू नीड टू मेक श्योर कि आप यहाँ पे कहीं पे भी स्पेसिंग ऑब्वियसली नहीं दे रहे हैं उंट एज करेक्टर तो सेकेंड पैरामीटर जो मैं इसका यूज कर सकता हूँ अगेन मेरी सीक्रेट एक्सेस की कौन सी है आई डी जनरेट की थी हम उसको कर देते हैं यहाँ पे इस पैरामीटर की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी हम कर चुके हैं अपने के संग भी यूज कर सकते हैं एंड लास्ट पैरामीटर हम यूज़ कर लेते हैं कि हम एक्चुअल में किस रीजन में काम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे एपी साउथ वन में काम करना चाहते हैं um, enter, तो चीज़ें मोर मैनेजेबल हो जाएंगी और ये मेरा एक सेशन बन गया है यहाँ पे एक काम करते हैं सेशन को हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेते हैं सो so दैट uh, हमको उस पर काम करना आगे इजी रहेगा या इस सेशन को हम फर्दर आगे इजिली यूज कर सकते हैं तो यहाँ पे मेरा सेशन पैरामीटर रेडी हो चुका है इन स के थ्रू मैं अपने कनेक्ट करूंगा नाउ हम एक बार ये देख लेते हैं कि इस सेशन में क्या कनेक्ट होकर कुछ वैल्यू हमको मिल रही है तो हम एक काम करते हैं जो भी डी स्ट्रक्चर मेरे को मिलता है यूजिंग डी आई आर फंक्शन इस सेशन के अंदर स्टोर होता है हम उसको प्रिंट करा के देख लेते हैं स्क्रिप्ट तो... and... का तो हम हमें पे ट्राई करते हैं ओके okay, हमको छोटा सा एरर आया है यहां पे उसने बोला है कि मेरे को बोटो ओके आई मेड अ मिस्टेक तो मैंने यहां पे बोटो डिफाइन कर दिया है बोटो थ्री डॉट सेशन यहां पे एक्चुअली मैम सो हम इसको सेव करते हैं दोबारा एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते हैं ओके okay, एक छोटी सी मिस्टेक और है मैंने सेशन आर्गुमेंट को कंप्लीट नहीं किया है तो इसके संग यहाँ पे एक्चुअली में सेशन आर्ग्यूमेंट ये लेगा एंड नाउ वी ट्राई सो यू वुड नोटिस कि आप सक्सेसफुली सेशन पे कनेक्ट कर चुके हैं एंड यू आर सीइंग द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बट अगेन दिस इज नॉट अ वेरी प्रेफर्ड अप्रोच कोई भी आपके स्क्रिप्ट खोल के क्रेडेंशियल्स को रीड कर सकता है तो यहाँ पे uh, एक प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है हमको एक बार मे बी इफ़ यू हैव मल्टीपल कैडेंशियल्स तो हम एक बार उस फाइल को दोबारा रीड कर लेते हैं तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे ये डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स हैं बट तो मैंने एक प्रोफाइल बना रखी है डेवस नाम की यूजर की जहाँ पे अलग क्रेडेंशियल्स यूज़ हो रहे हैं तो हम क्विकली काम करते हैं उन क्रेडेंशियल्स को यूज़ करने का ट्राई करते हैं तो जो भी मेरी हार्ड कोडेड चीज़ें हैं इनको मैं यहाँ से रिमूव uh, कर देता हूँ

एक्चुअल में क्या करता है ये आपको एक ऑब्जेक्ट एक है ए डब्ल्यू एस को दैट मीन यू आर नॉट गोइंग थ्रू आई आप सिंपली यहाँ पे ए बी आई कॉल बना रहे हैं अपने ए डब्ल्यू एस कॉन्सोल पे एंड जो बैक एंड में सर्विसेज हैं उनको आप एक्सेस कर रहे हैं तो जैसे एमेजोन एस थ्री डायनो डी बी ए सी टू तो जिन भी कॉम्पोनेट्स को ये कॉल बनाता है और जो भी सर्विस के रिस्पॉन्स आते हैं वो यहाँ पे जीएस वन फॉर्मेट में होते हैं अब ऑब्वियसली इन थियोरी इट लुक्स वेरी इंट्रीगिंग कि कितना अच्छा कॉम्पोनेंट है इट्स मेकिंग थिंग्स ईजियर बट वेन यू आर गोइंग टू यूज यू विल नोटिस की रिसोर्स जब हम नेक्स्ट कॉम्पोनेंट पढ़ेंगे बेट वुड बी मोर इजियर टू यूज रादर देन क्लाइंट बिकॉज इसका जो थोड़ा सा से सेंटिक्स है बिट कॉम्प्लेक्स है नॉट वेरी हाई बट विद प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू यूज दैट तो क्विकली हम इसको अपनी लैब में यूज करके देख लेते हैं तो एक बार हम क्विकली देख लेते हैं कि सेशन ऑब्जेक्ट हमको क्या क्या कॉम्पोनेंट्स प्रोवाइड करा रहा है तो यहाँ पे मैं सिंपली अपने सेशन ऑब्जेक्ट को यूज करूंगा और गेट अवेलेबल रिसोर्सेज लिस्ट को मैं देख लूंगा एक बार तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि वॉट ऑल कॉम्पोनेंट्स या सर्विसेज जिसके ऊपर सेशन ऑब्जेक्ट को आप यूज कर सकते हैं न क्विकली हम अपने क्लाइंट को यूज कर लेते हैं द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट ओके तो ऑब्वियसली सेशन ऑब्जेक्ट हमारा एज इट इज ही हम रखते हैं और उसको हम आगे यूज करते हैं तो यहाँ पे हम डॉट क्लाइंट प्रोवाइड करा देंगे एंड मैं इस क्लाइंट पे काम करना चाहता हूँ एक बार उस चीज़ को डिफाइन कर देता हूँ तो मैं यहाँ पे एस थ्री क्लाइंट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ और इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर डिफाइन कर देता हूँ मे बी समथिंग लाइक एस थ्री ऑप्शन तो ये हमारे का ऑब्जेक्ट बन गया ना जहां पे हम इस पर क्लाइंट कंपोनेंट के संग काम करेंगे नाउ पहले हम एक बकेट क्रिएट करके देखते हैं तो क्रिएट अंडरस्कोर बकेट वॉट एवर ऑप्शन बकेट इज प्रोवाइडिंग इसको हम चेक कर सकते हैं थ्रू द डॉक्यूमेंटेशन तो हम एक बार क्विकली डॉक्यूमेंटेशन स्क्रॉल कर लेते हैं आप सिंपल बोटो ट्रिकट डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे एंड आप क्रिएट बकेट करेंगे तो इट विल लिस्ट यू कि क्या कर रहा है कैसे आर्ग्यूमेंट्स लेगा इवन दे गिव यू एग्जाम्पल्स हाउ यू कैन क्रिएट अ बकेट सो दीज आर डिफरेंट ऑप्शन जो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें कौन से रिक्वायर्ड हैं वो वो भी बताएगा जहाँ पर जैसे कि ऑब्वियसली अ बकेट स्ट्रिंग इज रिक्वायर्ड तो कैसे ए सीएल प्रोवाइड करा सकते हैं एंड मैनी अदर ऑप्शन तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप इनको पढ़ के देखिए किस के रिस्पॉन्स आपको मिलेंगे एंड वॉट आंसर्स यू रिसीव तो हम uh, एक बकेट बना के देख लेते हैं सबसे पहली चीज जो होगी मेरी यहां पे वो बकेट का नाम होगा तो बकेट का एक नाम प्रोवाइड करा देते हैं हम मे बी माई पाइथन बकेट देन uh, इसके बाद क्या आप कुछ और ऑप्शन बढ़ना चाहते हैं जैसे किस uh, लोकेशन में आप बकेट को बनाना चाहते हैं तो द द बकेट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ लोकेशन बट स्टिल किस रीजन एक्सेस करना चाहते हैं तो हम एक क्रिएट बकेट कॉन्फ़िगरेशन में एक लोकेशन कंस्टेंट भी डाल देते हैं कि हम एपी साउथ वन में बकेट को बनाना चाहते हैं एंड इज नथिंग मच इन इट तो फिर हम इसके बाद इस बकेट को या हम इस uh, ओके इसको वेरिएबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं पहले हम कि हमें क्या रिस्पांस मिल रहा है एंड देन उस वेरिएबल को प्रिंट कराते हैं टू मेक थिंग्स इजीियर एंड देखते हैं क्या हमारा व टू थ्री कोड इज वर्किंग एक्सपेक्टेड यहां कोई एरर्स आ रहे हैं मेरे पास बिफोर uh, दैट uh, हम ठीक है हम इसको ऐड कर चुके हैं तो जस्ट टू अवॉइड अन एरर्स तो यहां पे मेरे पास एक एरर्स आए हैं

ओके एंड लेट्स सी कि क्या अभी भी मेरे को सेम एरर्स आ रहे हैं या हम इसको फिक्स कर चुके हैं ओके सो दिस टाइम वी रिसीव अ डिफरेंट एरर कि बकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट तो हम एक क्विकली करते हैं रैंडम नाम लेते हैं मे बी आई हैव मेड अप बकेट इन पास्ट सो माय मे बी बोटो थ्री

थ्री सर्विस okay, तो हैं नोटिस और... तो करते हैं मेरे लिए दो बकेट्स बन चुके हैं ऑलरेडी तो एक छोटा सा क्लाइंट और लिख के देख लेते हैं जिसमें हम अपने बकेट्स को लिस्ट भी करके देख लेते हैं एग्जिस्टिंग बकेट्स को तो सेम फूड मैं इसको प्रिंट नहीं करता हूँ क्योंकि ऑलरेडी हम बकेट बना चुके हैं एंड ऑब्वियसली नॉट इससे मैं बकेट को बनाना भी नहीं चाहूँगा तो हम एक काम करते हैं हम डायरेक्टली लिस्टिंग ऑपरेशन की तरफ मूव करते हैं बकेट के तो यहाँ पे जो मेरा ऑपरेशन चलता है वो लिस्ट डॉट बकेट्स चलता है तो थ्री अंडरस्कोर ऑप्स डॉट डॉट बकेट्स को मैं यूज करता हूँ एंड आई गिव लिस्ट रिस्पॉन्स सो इसको मेरे रीजन की बकेट्स पर कहना चाहिए एक काम करते है, हैं हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं यह हमें किस टाइप का आंसर यहाँ पे रिसीव हो रहा है ओके लेट्स रनिंग द कोड अगेन। ओके, तो मेरे पास एक जी लिस्ट आई है जिसमें बकेट डिफरेंट पैनर है तो हम क्विकली अपने कंपोनेंट्स को और सेग्रीगेट कर लेते हैं तो जैसे कि एक डिक्शनरी हमको मिली है हम क्विकली इसमें से अपने रिक्वायर्ड कॉम्पोनेंट्स को पिक कर लेते हैं तो मैं नोटिस करता हूँ कि बकेट्स नाम का जो मेरा की है उसके अंदर एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज है तो हम क्विकली इसको यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं कि क्या हमको सही आंसर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है ओके बकेट्स एंड ट्राई ओके okay, तो मेरे पास एक लिस्ट आ गई है एंड स्टिल लिस्ट तो हम इसको uh, कैसे पिक uh, करेंगे तो एक क्विक लूप लिख लेते हैं हम के लिए सबसे पहले इसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा देते हैं जिसको हम नाम देते हैं मे बी लाइक बकेट लिस्ट ओके तो एक फॉर लूप लिख लेते हैं हम क्विकली यहाँ पे एक uh, वेरिएबल यूज कर लेते हैं बकेट्स किसके को स्पॉन करेगा वो मेरे वेरिएबल को अब इसको प्रिंट करवा लेते हैं हम कुछ चीज़ों को यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा ये बकेट्स um, वो बट वहाँ पे इट्स अगेन अन तो हमें अपनी नेम के की में ज्यादा इंटरेस्ट है तो हम यहाँ पे इसको किस तरह से स्टोर कर लेते हैं एंड लेट्स ट्राई टू रन की क्या अभी भी बकेट की लिस्ट फेच होकर आ रही है या नहीं आ रही है तो बिंगो तो इस मैनर में आप क्विकली uh, अपने बकेट लिस्ट को भी पुल कर सकते हैं यूजिंग द क्लाइंट कॉम्पोनेंट नाउ नेक्स्ट मूव टू द रिसोर्स सेक्शन तो अभी तक हमने सेशन और क्लाइंट के बारे में बात की जहाँ पे सेशन हमको हेल्प कर रहा है मेरा सेशन मेंटेन करने में विद एडब्ल्यूएस या फिर कनेक्शन मेंटेन करने में वहीं पे जो मैं क्लाइंट की बात करता हूँ वो मेरी लो लेवल एपीआई कॉल्स बनाने में हेल्प करता है

ऑब्वियसली यू हैव अ लिमिटेड स्कोप अब इसके अंदर कुछ एक्शन होते हैं जो कि आप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं रिसोर्स के ऊपर जैसे अपने यू आई के थ्रू करते हैं तो जनरली ये आपको इस तरह से एक हायर लेवल अप्रोच देगा बट अगर इसका एडवांटेज की बात करें आप तो बेनिफिशियल ये है कि इसका सेंटेक्स मोर इजियर ये मोर पाइथॉनिक वे है एडब्ल्यू एस सर्विस पे इंटरेक्ट करने का स्टिल आप क्लाइंट और रिसोर्स दोनों को यूज कर सकते हैं टू मेक एन ए पी आई कॉल सो so क्विकली हम यूज करके देख लेते हैं अपने कोड के अंदर ओके okay, तो हम अपने रिसोर्स टाइप कंपोनेंट को चेक कर लेते हैं अगेन हम अपने सेम वेरिएबल को यूज कर रहे हैं ए डब्ल्यू स्टेशन दैट वी यूज फॉर ए कनेक्शन और उसके संग में हम रिसोर्स कॉम्पोनेंट यूज कर लेते हैं यहां पे हम इसको बता दे रहे हैं कि हम किस रिसोर्स के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो वी डिफाइन ई सी टू जस्ट टू यूज इट मोर कन्वीनियंटली हम इसको अभी के लिए एक वेरिएबल के अंदर पास करा देते हैं नाउ बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर हम एक बार डॉक्यूमेंटेशन uh, दिख लेते हैं कि किस तरह से हम इस रिसोर्स को यूज कर सकते हैं तो अमेजोन की ए पी आई चेंज हो गई है तो यू मे फेस इश्यूंग दिस तो मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा तो क्रिएट इंस्टेंस इज द की फंक्शन विच यू कैन की रिसोर्स यू कैन यूज ना यहाँ पे आपके कुछ रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं जो कि आपको फिलकिन करने ही पड़ेंगे एंड यूल डॉक्यूमेंटेशन हम कुछ वैल्यूज़ के संग आगे बढ़ेंगे जैसे कि मैं किस इमेज आई को यूज़ करना चाहता हूँ के एम आई आई डी टू बी ऑनेस्ट एंड वॉट अदर वेरिएबल्स तो हम इसी तरह से कोड को आगे बढ़ते चलते हैं नाउ जस्ट टू से हम अपने क्विकली टाप uh, को स्विच करते हैं और लेटेस्ट ई एम आई आई को निकाल लेते हैं जो भी हमको रिक्वायर्ड है सो दैट वी डोंट हैव टू वेस्ट मच टाइम आई एम फाइन गोइंग सिस्टम विडोजिंग पिक कर लेते हैं क्विकली गेट बैक टू द कोड तो हम यहाँ पे क्रिएट इंस्टेंस ऑक्शन को यूज कर लेते हैं इजी टू ऑप्स दैट फाइन डॉट क्रिएट इंस ना और इंस्टेंसेज तो यहाँ पे हमने वेरिएबल डिफाइन कर लिया है एंड uh, इसको पहले फंक्शन के अंदर डिफाइन कर देते हैं ताकि uh, मेरे को कोई इश्यू ना आए तो अगेन मैं इस वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दे रहा हूँ ये ताकि मेरे को रिजल्ट पिक करना आसान रहेगा नाउ uh, सबसे पहला हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे इमेज आई डी दैट विल बी माई ए एम आई आई डी तो जस्ट पुट इट इन कोट्स एंड ऑन अ सेपरेट लाइन ईच ई कॉम्पोन्ट सेपरेट लाइन ताकि

मेन काउंट इज वन मैक्स काउंट इज वन एज एज ऑफ नाउ हम एक ही मशीन बनाना चाह रहे हैं अगेन मेरे इंस्टेंस का टाइप क्या होगा या किस टाइप के हार्डवेयर स्पेक्स के संग मशीन को मैं बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए पैरामीटर है इंस्टेंस टाइप अभी हम रख रहे हैं इस वैल्यू को देन क्या मैं कोई की यूज कर रहा हूँ uh, क्या मेरे पास कोई की है जो कि एक्चुअल में मेरे लिए डिप्लॉयमेंट कर सकती है तो एक की को मैं क्विकली जनरेट कर लेता हूँ जाके अपने लिए हम वापस अपने ब्राउजर पे जाते हैं और यहाँ पे हम हाँ की स्क्रीनडेट कर लेते हैं हम के एम एस में जाके एक की जनरेट कर लेते हैं अपने लिए क्विकली अगर आपके बस ऑलरेडी की है तो आप उसको भी यूज उस कर सकते हैं हम यहाँ पे क्रिएट ए की करते हैं एक नॉर्मल सिमेट्रिक की यूज कर लेते हैं एंड जनरल इनक्रिप्ट एंड्रिप्टो डिफॉल्ट ऑप्शन का एक नाम दे देते हैं मे बी आईथन बोडो थ्री ऑप्शन हम नेक्स्ट करते हैं अभी क्यूज उसको डिफाइन करने का कर ट्राई कर रहे हैं तो हम इस की के एक्सेस किस यूजर को देना चाहते हैं लेट्स ट्राई ओके। आई एम ड्रॉपिंग इट एज इट तो हम इसकी को नेक्स्ट करते हैं एंड अभी को हम की को डिफॉल्ट एडमिन यूजर के ऊपर रखते हैं सिंगल रीजन की है मैं इस रीजन के अंदर ही इसकी को यूज कर सकता हूँ एंड uh, हम इसको फिनिश करते हैं

बाय डिफ़ॉल्ट uh, एक डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप होता है जिसके संग आप बढ़ सकते हैं नहीं तो अगर आपके पास नहीं तो अगेन आपको एक सिक्योरिटी ग्रुप की रिक्वायरमेंट भी होगी अगेन क्विकली ब्राउज़र पर सर्च करके एक सिक्योरिटी ग्रुप चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास कोई है ओके okay, तो मेरे पास एक सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है डिफ़ॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप अभी के लिए मैं उसी को यूज़ करता हूँ एंड स्विच बैक टू वोट अगैन वॉट एवर फील्ड्स जो भी आप यू uh, आई के थ्रू फिल करते हैं वो सारी फील्ड्स आपको यहाँ पर अप्लाई करनी पड़ेंगी किस अवेलेबिली जोन में रखना चाहता हूँ मैं कवेल्यू रखना चाहता हूँ उनको एसड्रेस मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ यहाँ पे अवेल्टी uh, जोन में ए पी साउथ वन एनली एंड देन कुछ टैक्स भी हम अप्लाई कर देते हैं मे बी की का नाम मेरे मशीन का नाम क्या होगा तो उन टैक्स को हम अप्लाई कर देते हैं ओवर जस्ट वै तो कुछ कॉपी पेस्ट में कर दे रहा हूँ यहाँ पे सोर्स टाइप मेरा इंस्टेंस होगा टैक्स की का नाम होगा और वैल्यू उसकी होगी माई पाइथन ई सी तो दैट इज समथिंग जो कि हमने क्विकली uh, हम यूज करते हैं नाउ इट इज गोइंग टू क्रिएट एन ई टू फॉर यू आप प्रिंट कर सकते हैं कि क्या ऑपरेशन हुआ तो हम उस ऑपरेशन को प्रिंट uh, कर लेते हैं नाउ वेरिएबल नेम एंड प्रिंट

हम um, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोपर्टीज को बिना लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग प्रोवाइड करा देते हैं एंड लेट्स सी व्हाट एल्स इज लेफ्ट मोर एड्रेस मींस मोर टेस्टिंग मोर इंटेंसिव लुक okay so the key pair is not existent for it let me quickly switch to the terminal again and see what is the status of the key pair even we can create a key pair from here as well okay i don't know की क्यों क्योंट नहीं हुआ मे बी आई जनरेट रॉन्ग की सो क्विकली हम की को जनरेट कर लेते हैं जो भी हमने की किया था विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आर एस सी की रखते हैं हम डॉट पीपीट की हम गलत जगह पर गलत की को जनरेट करने का ट्राई कर रहे थे क्या ये अभी बिल्ड कर पाता है या नहीं ओके okay. तो एक ईसी2 इंस्टेंस क्रिएट हो गया मेरे लिए उसकी का आईडी जनरेट कर दी है पाइथन ने लेट्स ओके पियर के बाद हमारी एडिनेट हो चुकी है लेट्स अगेन क्विक बैक टू द टर्मिनल एंड सी कि क्या हमको अपना इंस्टेंस देखने को मिलता है या नहीं ओह जस्ट ईसी2 सर्विस एंड यू विल नोटिस की एक इंस्टेंस हमारे पास अब रनिंग है एंड दट इज दिसोर्सिस को यूज करके लिस्ट कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं इंस्टेंसेज को सो दट इज वन ऑफ अ मैथड यू कैन यूज रिसोर्स मैथड इज हमने फाइनली कोड्स को कनेक्ट करके देखा uh, बोटोथ्री के थ्रू ए एस को कुछ कोड्स लिख के देखे कुछ कोड्स टेस्ट करके देखे डेफिनेटली वी एनकाउंटर लॉट ऑफ एरर्स बट दैट एक्चुअली मेड आर कोड बेटर कोड का जो लिंक है वो आपको नोट सेक्शन में मिल जाएगा सो यू कैन डाउनलोड एंड टेस्ट एंड इवन ग्रूम इट एंड रिप्लाई बैक टू मी होपफुली भी आपको पसंद आया होगा थैंक यू वेरी मच हैव अ नाइस डे बाय बाय